आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार का अपडेट और आज का राशिफल का अपडेट। जानेंगे कि आज ज्योतिष के आधार पर आपका राशिफल कैसा लग सकता है और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा कारोबार करते नजर आ सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज का राशिफल और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मांगे नाम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित हो रहा है आज 28 जनवरी सन 2022। सबसे पहले राशियों के आधार पर आज आपका नफा नुकसान। गौरतलब है बाजारों के अंदर तेजी या मंदी, जब तक आप उसका फायदा नहीं उठाते हैं वो तेजी और मंदी का विश्लेषण बिल्कुल बेकार है। गौरतलब है कि एक ही बाजार में, एक ही मंडी के अंदर या एक ही इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक सा सामान बनाने वाला, एक सी वस्तुओं का निर्माण करने वाला या बेचने वाला, लेकिन सब व्यापारियों की, सब उद्योगपतियों की, सब प्रोफेशनल्स की, सबकी अलग अलग किस्मत होती है और उसके आधार पर ही वो कमाता है। ऐसा क्यों? तत्वों का भारतीय ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने जबरदस्त इसका विश्लेषण किया है और वो है एलिमेंट्स यानी तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल और आकाश। ये पांच तत्वों के अंदर सारी दुनिया समावेशित हो रही है। अग्नि तत्व का संबंध यदि जल तत्व की से वस्तु से होगा तो मिसमैच होगा। अग्नि तत्व के राशि के व्यक्तियों का संबंध जल तत्व की राशियों से होगा तो वो मिसमैच होगा और वहां परेशानियां और बढ़ेगी, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई हो, या फिर कमोडिटीज की ट्रेडिंग हो। अग्नि तत्व का व्यक्ति है जल तत्व की वस्तुओं में ट्रेड करेगा तो निश्चित माने उससे वही होगा कि जलते तवे के ऊपर आप पानी का छींटा मारते हैं तो उस वक्त क्या होता है। तो दोस्तों, भारतीय ऋषियों ने जो कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और 5वां तत्व आकाश इन चारों में ही समावेश कर दिया गया है। अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। मेष, सिंह और धनु राशि का संबंध यदि जल तत्व की राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि से होगा तो निश्चित मान के चले कि उनके अंदर परेशानियां बढ़ेगी। यदि ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर ग्रह भी माड़े हैं, परेशानी वाले हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से उनके अंदर अनबन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ेगी, चाहे वो व्यापारिक का साझेदार हो, कारोबारी साझेदार हो, या फिर पति पत्नी हो, या फिर एम्प्लाइज और एम्प्लॉयर हो यानी नियोक्ता या उसमें काम करने वाले व्यक्ति हो। तो 1, 5, 9 माफ कीजिएगा, आज दिन संभवतः मुफीद नहीं है, शानदार नहीं है। 12 से 1 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी, अन्यथा नुकसान बढ़ सकता है। 2, 6, 10 यह है पृथ्वी तत्व की राशियां, वृषभ, कन्या और मकर राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 1 से 2 बजे के बीच में स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए, टर्मिनल छोड़ के कहीं मत जाइए, व्यापार की गद्दी छोड़ के कहीं मत जाइए, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, अपनी सीट पर रहिए, मेहनत से काम करिए, वो विशेष घंटा आपके लिए। यदि कोई विवाद हो रहा है सीनियर सुपीरियर से, एम्प्लॉयर से, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। 3, 7, 11 यह है मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, कमाने की स्थिति में रहेंगे। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यह है जल तत्व की राशियां, मिश्रित रुख से इशारा कर रहा है। 3 से 4 बजे के बीच में मार्केट बंद होने से पहले शेयर बाजार में ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। जी अखिलेश जी, तो ये तो हमने कर्नल जी से जाना आज का राशिफल कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज मुनाफा देखने को मिल सकता है, किन राशियों को आज बचकर चलना सही रहेगा।
अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कम्युनिटी बाजार की। कर्नलजी जी, यहीं से बात करें अगर कम्युनिटी बाजार की, तो मसालों में सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपसे। मसालों में हमने देखा है कि जीरे में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त है, लेकिन धनिया और हल्दी में हमने मुनाफा वसूली बनती हुई देखी थी। आपकी क्या राय रहेगी धनिया के ऊपर? देखिए, धनिया के अंदर भी पिछला ट्रेडिंग सेशन देखें तो ये 10,300 के आसपास की, यानी 10,288 के आसपास का ये भाव था, और आज भी इसने उतार चढ़ाव दिखा रहा है। धनिया के अंदर मुझे लगता है कि अब अच्छी तेजी दर्ज हुई है, जबरदस्त मुनाफा कारोबारियों ने कमाया है। 6,800-6,500 का धनिया 10,300 तक की इसने मूवमेंट दी है, तो इन स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं बनती है। याद रखिएगा, कारोबारी बंधुओं को मैं अपना एक मत अवश्य देना चाहता हूं, जब आपको एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है तो उसके अंदर कुछ मुनाफा हमेशा घर ले जाना चाहिए। मुनाफा वो नहीं जो डब्बे में है, मुनाफा वो नहीं जो बाजार में है, मुनाफा वो जो आपके बैंक में जमा हो जाए, जिसको आप जब चाहे निकाल सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें, वो है मुनाफा, असली मुनाफा वो है। तो जब अच्छा मुनाफा मिल चुका होता है, उस वक्त कुछ माल हल्का करने में कोई बुराई नहीं है। ये एक कारोबारी नजरिया होता है कि अपना टाइम से मुनाफा बुक कर लें, कुछ माल छोड़ दें, तो ये तरीका है। तो धनिया के अंदर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला सप्ताह बहुत विशेष रहने वाला है, तो भी अब ख्याल रखिए। मसालों के अंदर चाहे लाल मिर्च है, जबरदस्त तेजी उसने दिखा रहा है। लाल मिर्च के, मैं धनिया के ऊपर अब मैं कहूंगा कि आप लाल मिर्च के ऊपर आप देखें, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर लाल मिर्च के अंदर अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी यहीं से कनले जी बात करें अगर अब कैस्टर की, तो कैस्टर को हमने एक अचानक से उछलते हुए देखा था कल के कारोबारी सत्र में। हमने देखा था कैस्टर सिर्फ 6,500 के लेवल्स को टच करता नजर आया था, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है। आज भी देखने 6,400 के ही घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है एक बार फिर से। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह कैस्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा? क्या कैस्टर में 6,500 तक या 6,600 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, या फिर यहाँ से एक मुनाफा वसूली बनेगी? देखिए, कैस्टर सीड के अंदर हमने तेजी की आपसे लगातार कही थी कि कैस्टर सीड बैंक के अंदर काफी टाइट पोजीशन है, उसके स्पॉट पोजीशन भी है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, तो इसमें एक बार मुनाफा वसूल कर लें तो बेहतर है। क्योंकि ये क्योंकि ऊपरी स्तरों पर यदि मुनाफा यदि कोई नहीं वसूल करता है तो वो व्यापारिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले जो कारोबारी हैं वो टाइमली प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहता है। उसके अंदर कुछ करेक्शन की संभावना, कभी भी ऊपरी स्तरों पर आने की संभावना बन रही है। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि कर्नल जी के मुताबिक कैस्टर में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना ही सही रहेगा अभी इस टाइम पे। यहीं से कर्नल जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने तेजी के बाद एक सीमित दायरा होते हुए देखा है बिनौला खल में, फिर गिरावट भी बनते हुए देखी जो नीचे में 3,000 तक गई थी, लेकिन वहाँ से देख रहे हैं कीमतों को थोड़ा सपोर्ट मिला है और कीमतें एक बार फिर से 3,200 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल यहाँ से एक बार फिर से निचले स्तर दिखाएगा, या फिर यहाँ से सीमित दायरा रहेगा और फिर धीरे धीरे तेजी बनना शुरू होगी? देखिए, बिनौला खल के ऊपर मेरा नजरिया, आपको याद होगा जब ये 3,400 के आसपास की ट्रेड कर रही थी, उस वक्त मैंने आपको यही कहा था कि बिनौला खल के अंदर मुझे इन स्तरों पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। उसकी उसकी एक साफ वजह भी है, क्योंकि देखिए ये पशु आहार है, और पशु आहार को एक सीमा से जब ऊपर वो स्ट्रेच करता है तो उसके अंदर जब तक दूसरा खली उसको सपोर्ट नहीं करे तब तक उसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। उदाहरण के लिए यदि आप सरसों की खली देखें या सोया खली देख लें या बाकी जो ऑयल सीड से जो खली निकल रही है वो भी, उनके दामों पर यदि आप नजर रखेंगे, उसके आधार पर यदि कपास खली की प्राइसिंग को एवेलुएट करेंगे तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कपास खली के अंदर मैंने हमेशा यही कहा है कि जब तक आप बाकियों को नहीं मूल्यांकन करेंगे और एक तरफा या तेजी या एक तरफा मंदी की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक सारगंभित या व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। जहां तक कपास खली का सवाल है, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो सकता है और नीचे स्तर के ऊपर खरीदने का जब समय आएगा हम आपको बिल्कुल अलर्ट करेंगे और
ये बहुत अच्छे दाम हैं जो किसानों को कारोबारियों को मिल रहे हैं, क्योंकि कपास खली जो 2200-2300 से चलनी शुरू हुई और वो अब 3400 रुपए के आसपास पे आके यदि कोई भी कारोबारी मुनाफा नहीं वसूल करता है कुछ तो मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि महंगा आएगा महंगा बिकेगा, सस्ता आएगा सस्ता बिकेगा। कारोबारियों को ये नजरिया रखना चाहिए, जो मुनाफा आता है उसको पहले अपना अपने कब्जे में करना चाहिए, चाहे वो 100% ना करें तो 40% 30% कुछ मुनाफा ले लेना चाहिए, यही मेरा नजरिया होता है और ये व्यापार की दृष्टि से उचित भी होता है। तो कपास कली के अंदर आज मुझे कुछ कमजोरी की संभावना नजर आ रही है, और आने वाले कुछ समय के अंदर 2-1 महीने का 3 महीने का जो नजरिया रखेगा उसके लिए भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज कपास कली के अंदर मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। ये अखिलेश जी, जी तो यानी कि कर्नल जी के मुताबिक आज कपास खरी में हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, थोड़ी कमजोरी की संभावना बनती नजर आ रही है एस्ट्रा फाइनेंस के मुताबिक। यहीं से कर्नल जी बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में हमने कच्चे तेल में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को देखी है, कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा तेजी भी आते हुए देखी है, 2014 के बाद के सबसे ऊँचे स्तर देखे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कच्चे तेल का वायदा बाजार यहीं से तेजी की ओर ही जाता रहेगा या फिर इस पे थोड़ी लगाम भी लगी सकती है? देखिए कच्चे तेल ने मल्टी ईयर हाई लगाया है जी, और बहुत जबरदस्त मोमेंट ये भी रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर अभी कुछ नजर आ रहा है, और खासकर जो यूएस और रशिया के बीच के अंदर भी यूक्रेन को लेके तनाव है, तो और कुल मिला के और जो ओपेक की भी मीटिंग हुई है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कम का है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी मोमेंट इसमें देखी जा चुकी है। यहाँ भी एक टेक्निकल लेवल ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पे इस लेवल्स को क्रॉस करना ऊंचे के रूप के अंदर ये अब थोड़ा सा इसमें पॉज आना चाहिए, और क्योंकि विंटर स्टॉकिंग भी तकरीबन खत्म है, विंटर भी ऑलमोस्ट अब अगले 10 से 15 दिन के अंत के बाद में विंटर सीजन भी धीरे धीरे ढलान की तरफ होगा, क्योंकि आज 28 जनवरी है, दो दिन की छुट्टियां हैं, उसके बाद में फिर अब धीरे धीरे विंटर सीजन के अंदर भी रिक्वायरमेंट धीरे कम होती जाएगी, तो हीटिंग ऑयल वगैरह जो है उसका भी फर्क पड़ेगा और कंजम्पशन में भी उसमें फर्क पड़ने की संभावना है, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, अब ये थोड़ा सा ईज होना चाहिए, तो इसका सारा प्रभाव कच्चे तेल के ऊपर पड़ सकता है। तो इन स्तरों पर मैं तो खरीदने की सलाह नहीं दूंगा कि कच्चे तेल को इस लेवल पे खरीदा जाए, तो यदि कोई कारोबारी बेचना चाहता है तो उसको बेच के चला जा सकता है, लेकिन खरीदने के लिए तो रुकने की सलाह रहेगी। जी अखिलेश जी, जी कनल जी, यहीं से कर्नल जी अगर रुख करें अगर स्टॉक मार्केट की ओर, तो हमने फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैठक हुई थी उसमें बयान जो निकल के सामने आए थे ब्याज दरों के बारे में, उसकी वजह से हमने स्टॉक मार्केट क्रैश होते हुए भी देखी थी, गिरावट भी बनी थी, आज देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त भी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है आज स्टॉक मार्केट में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है, किन स्टॉक्स में मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए स्टॉक मार्केट, जहां तक सवाल है कि स्टॉक जो भारतीय शेयर बाजार है या किसी भी देश का स्टॉक मार्केट है वो उसकी अर्थव्यवस्था का मिरर है यानी दर्पण है। यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आपको समझना है देखना है तो उसके लिए आपको उस देश का कारोबार विशेषकर शेयर बाजार का भी आप देखेंगे तो आपके सामने पूरी स्थिति क्लियर होगी। यदि हम इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ देखें तो लगातार FI जो है विदेशी संस्थागत निवेशक वो लगातार कई महीनों से अपना विश्वास कम जता रहे हैं और लगातार भारत के शेयर मार्केट से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उन बिकवाली के मुकाबले घरेलू संस्थागत निवेशक उतनी मात्रा में खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि काफी वॉलिटिलिटी चल रही है, काफी नीचे गिरावट है। कल भी बैंक निफ्टी निफ्टी ने बहुत नीचे की तरफ गोता लगा दिया था और उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि भारत का जो बजट है वो बिल्कुल सर पर है। अगले महीने 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री साहिबा अपना बजट इसका देश का बजट संसद में प्रस्तुत करेंगी, उसमें भी जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनको थोड़ा सा डर है। वो डर ये भी है कि क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है, कोविड की परेशानियां हैं, उसको देखते हुए कोई और विकास का बजट डालना है तो
उन सबको देखते हुए नया टैक्स को लगाने की स्थिति संभवतः सरकार की नहीं होगी। अब टैक्स नया लगेगा नहीं, खर्चा सर पर बहुत ज्यादा है, तो उसका वो कहां से निकलेगा? तो उसमें ये लगता है कि कुछ टैक्सेशन के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो या कुछ नहीं कुछ हो, तो इसकी वजह से भी उनको डर है। और फेड ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कही है, तो उससे भी स्टॉक मार्केट की में जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी कम होती है और इसका भी प्रभाव सारा पड़ता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भारतीय बाजार वैल्यूएशन की दृष्टि से विदेशी संस्थागत निवेशकों की दृष्टि में थोड़े से ओवर वैल्यूड हो गए थे, जबकि जो दूसरी कंट्रीज के जो हैं स्टॉक मार्केट हैं वो थोड़े से ज्यादा आकर्षक हैं। तो इस वजह से कुछ शिफ्टिंग और कुछ चर्निंग भी रही, तो ये कुछ प्रमुख कारण हम मानते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के साथ साथ में चर्निंग भी है, मुझे लगता है कि बजट के अंदर कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों का भरोसा बाजारों भारतीय बाजारों में बढ़ेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ नए सेक्टर्स के अंदर एफडीआई लिमिट्स बढ़ाई जा सकती हैं और कुछ आसान शर्तें रखी जा सकती है। इससे संभवतः बाजारों का रुख थोड़ा सा मजबूत होने की संभावना है और यही वजह है कि अभी देखो और इंतजार करो कि रणनीति विदेशी संस्थागत निवेशक अपना रहे हैं। जहां तक भारतीय ट्रेडर्स का सवाल है, निवेशकों का सवाल है, मुझे लगता है कि सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसे हम पीएसयूज कहते हैं उसके ऊपर नजर आप रखें, विशेषकर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि एलआईसी की एक आईपीओ भी आ रहा है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा भेल बीएचईएल भेल पे भी नजर रख सकते हैं, पीईएल पे भी नजर रख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम है उसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है निवेश के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अतिरिक्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रखनी उचित रहेगी, भारत सरकार का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है और जो अभी 100 रुपए से नीचे ही इसका ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर यदि निवेश किया जाए तो महीना दो महीना तीन महीने के अंदर इसको अच्छा मुनाफा मिल सकता है और बजट के अंदर भी कुछ संभावित ऐसी सूचना मिल सकती है, ये संभावना है जिससे इसको लाभ मिले। तो यही मैंने कहा, यही कहना है कि पीएसयू बैंक के अंदर भी नजर रखी जा सकती है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इन बैंक के और मेटल स्टॉक के अंदर हिंदुस्तान कॉपर है, इनके ऊपर निवेश कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। तो मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपको 15 से 20% या उससे अधिक भी मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये अखिलेश जी जी कर्नल जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।